प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए दृढ़ प्रयास कर रही है ताकि विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर प्राप्त हो सके। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा पीटरहॉफ में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत 545 करोड़ रुपए के अनुबंध किए जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत एशियन विकास बैंक द्वारा 195 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्च कौशल विकास को केंद्र में रखते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने लगभग 16,000 हिमाचली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग जैसे विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेजों और अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों के माध्यम से युवाओं के कौशल उन्नयन पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में 6800 से अधिक युवाओं को कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से नौकरी प्रदान की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि नौजवानों में जो हुनर है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे बढ़ाना और उस हुनर के माध्यम से अपने जीवन को और परिवार के जीवन को सरल बनाना, उनके लिए आय का स्रोत खड़ा करना, ये स्किल डिपार्टमेंट की ओर से बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे देश भर में और देश के साथ साथ पे प्रदेश भर में हो रहा है। HBKVN के सारी टीम को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में आज हम देख रहे थे जो बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी है, लगभग 18,000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है और उसमें से लगभग 6,000 के करीब करीब बच्चों को प्लेसमेंट उसमें मिली है। ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली बहुत लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि पारिवारिक परिस्थिति इस प्रकार की है, मैट्रिक करने के बाद, प्लस टू करने के बाद वो इस प्रकार की ऑप्शन पर जब जाते हैं और HBKVN जो है वो उनको मदद कर रही है उनको प्रशिक्षित करने के लिए, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट के लिए, उसमें एक बहुत बड़ी सफलता हिमाचल प्रदेश में हमने इस छोटे से समय में हासिल की है। लेकिन इस बात को लेकर के ये ज़रूर है आज के इस अवसर पर जहां हमको और प्रमोट करना चाहिए स्किल को, उस दृष्टि से सरकार की ओर से जो प्रयत्न और जो प्रयास चल रहे हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में और ज़्यादा काम करने की इसमें आवश्यकता है ताकि नौजवानों को अपने पांव पर खड़े होने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सके, अवसर मिल सके, अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से मदद करने की गुंजाइश निकल सके। तो निश्चित रूप से देखिए, मैंने इस बात को कहा कि ड्रोन तो एक बहुत बड़ा आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक फील्ड में नहीं बहुत सारी फील्ड में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए आग्रह किया है, सभी मुख्यमंत्रियों से भी आग्रह किया, सभी प्रदेशों से भी आग्रह किया है और मुझे इस बात के लिए विशेष तौर से प्रसन्नता कि हिमाचल प्रदेश में हमने, हिमाचल इज द फर्स्ट स्टेट जिसने ड्रोन पॉलिसी जो है अपनी लेकर के जो है वो प्रस्तुत कर दी, बना करके तैयार कर दी और इसके लिए हमारी पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ। और इसके साथ जहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर है और उसके बाद एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर ढंग से हम कैसे आने वाले समय में कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर जो प्रधानमंत्री जी का फोकस है उस फोकस के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा उसमें लाभ होगा।